अब बड़ी खबर रायपुर से, जहां आदि पुरुष फिल्म को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान, भगवानों के चेहरे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले युद्धक राम की छवि प्रस्तुत की गई, बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अब आपको बता दें बड़ी खबर रायपुर से, आदि पुरुष फिल्म में संवाद भाषा मर्यादित है, रामायण में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। फिल्म में शब्दों का जो चयन किया गया है वह अमर्यादित है, रामायण बेहद पवित्र ग्रंथ है, रामायण को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां आदि पुरुष फिल्म को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। आइए आपको सुनाते हैं सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है। आदि पुरुष में हनुमान जी के जो डायलॉग है, अन्य पात्रों के जो डायलॉग है, उनके द्वारा बोले गए शब्द है, वो निम्न स्तर के हैं, जली ना और जलेगी। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और भी बहुत सारे डायलॉग हैं जिसके बारे में बहुत ही आपत्तिजनक है। लेकिन अभी अब कालीन जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो रामायण काल में कालीन तो शब्द का प्रयोग होता नहीं था। इस प्रकार से जो हमारे आदि पुरुष के बहाने, पहले तो भगवान राम और हनुमान जी के तस्वीर को विकृत करने का काम किया, अब उनके द्वारा बोले गए जो शब्द है वो ऐसे उनके मुंह से शब्द बुलवाए जा रहे हैं, यदि आज की पीढ़ी उसको देखेगी तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। जनता देख रही है, जनता का डिमांड यदि इस प्रकार से आती तो विचार किया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार के भाषा का प्रयोग हमारे जो जिसमें हमें आस्था है, हमारी श्रद्धा है, उन जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हनुमान जी है, उनके मुंह से कम ये शब्द नहीं बोला जाए, उनके द्वारा नहीं बोलवाया जाना चाहिए।